कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लबैलिटी के बारे में और इनर्टनेस के बारे में। लबाइल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। उसके बाद उसे एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई थी, एक वैलेंस बैंड थ्योरी और एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बैंड थ्योरी मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वैलेंस बैंड थ्योरी आपकी जो थी वो हायर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और लोअर स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पे डिपेंडेंट था, ठीक है। उस पे हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम सीधे आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, जहाँ पे हमने कल रुका हुआ था, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से हमने कल आपको बताया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। नॉर्मली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट तक जो जाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स का CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का जो हमारा CFSE है, दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं CFAE, ठीक है। तो CFAE को कैलकुलेट करने के लिए ये पांच पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने कल डिस्कस किया हुआ है। एक बार मैं इस पूरे चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर लूँगी तो मैं इसको आप लोग को अवेलेबल करा दूँगी। फिलहाल अभी पूरा नहीं हुआ है तो मैं जैसे जैसे लेक्चर ले रही हूँ वैसे वैसे मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है वो हम सीधे इस पर आ जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर हम CFAE कैलकुलेट करते हैं और CFAE अगर नेगेटिव आ रहा है, माइनस में उसकी वैल्यू आ रही है, तो उसको हम ज़ीरो मान के चलेंगे, जैसा कि हमने बताया। तो अगर किसी का कॉम्प्लेक्स का CFAE अगर ज़ीरो आता है, ठीक है, या नेगेटिव है, तो इस केस में कॉम्प्लेक्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन में इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ठीक है। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है। किस केस में, जब हमारा CFAE ज़ीरो है या फिर नेगेटिव है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, इसको हम लबाइल कहेंगे ना, क्योंकि एनर्जी कम चाहिए तो वो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी कम चाहिए तो इसका मतलब कि ये आपका लबाइल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हमारा CFAE वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है, उसको हम हाई बोलेंगे। तो उस केस में रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट में बदलने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या दिखाता है, कॉम्प्लेक्स का इनर्टनेस दिखाता है, ठीक है। अगर हमें लेस एनर्जी चाहिए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के लिए तो वो हमारा लेबैलिटी दिखाएगा, अगर हमको हाई एनर्जी चाहिए तो वो हमारा इनर्टनेस दिखाएगा। तो अगर CFAE नेगेटिव या ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉम्प्लेक्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर CFAE की वैल्यू हाई है या पॉजिटिव है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आ जाते हैं SN1 रिएक्शन की बात करें हम यहाँ पे। जैसे ही ये लेबैलिटी और इनर्टनेस का कंसेप्ट पूरा होगा, हम तुरंत जंप करेंगे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसमें मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि SN1 क्या है, SN1 का मैकेनिज्म क्या है, किस दो इंटरमीडिएट के थ्रू वो प्रोसीड होता है। सिमिलरली SN2 क्या है, SN2 का क्या मैकेनिज्म है और वो कौन से दो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होता है। फिलहाल उस पर स्टॉप लगा के मैं सीधे आती हूँ कि हम SN1 रिएक्शन की अगर बात करें तो SN1 रिएक्शन में कैसा होगा हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, कि वो लबाइल कहलाए, ठीक है, या इनर्ट कहलाए। समझ में आ रही मेरी बात। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो उस केस में उसकी कितनी CFAE वैल्यू आ रही है, CFAE वैल्यू को देखकर ही हम बता पाएंगे कि हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्स लबाइल है या इनर्ट है, ठीक है। तो CFAE कैलकुलेशन होने जा रहा है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो हमने अभी जैसा कि बोला कि SN1 मैकेनिज्म जो है
देखिए कोई भी मैकेनिज्म इसमें जो चल रहा है, मैं जो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ या रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, हर बार मैंने बोला है कि हमारा रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशन स्टेट पे जाता है, एक इंटरमीडिएट पे जाता है, ठीक है। तो SN1 जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी एक इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। जनरली SN1 मैकेनिज्म में दो इंटरमीडिएट होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे CFAE निकालने के लिए क्या करेंगे, CFSC हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेन जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसका CFSC, दूसरा इंटरमीडिएट का जो कि वो हमारा स्क्वायर प्लेनर है, तो दूसरा हमारा स्क्वायर प्लेनर का CFSC, और उन दोनों CFSC का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, CFAE, ठीक है। तो CFAE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज अंडरगोइंग SN1 रिएक्शन थ्रू SP इंटरमीडिएट, SP मीन्स स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट। टेबल 2 में देखेंगे हम लोग इसको, ये हमारा टेबल 2 है, ठीक है। ये देखिए ये आपके मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हैं, डी सिस्टम्स पूरे हैं, D0 से लेके D10 तक, ठीक है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFSC है, और ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स जो कि इंटरमीडिएट बन रहा है उसका, उसके CFSC वैल्यूज़ हैं। ये किसके लिए है, ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए है, ठीक है। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लोग को समझ में आता होगा, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है, हाई स्पिन बनता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारी पेयरिंग हो जाती है। तो फिलहाल वीक फील्ड में देखिए CFAE वैल्यू, जो सर्कल है D3 में देखिए सर्कल दिखा रहा है 2.0 आ रहा है CFAE वैल्यू, उसी तरीके से DH में देखिए 2.0 आ रहा है CFAE वैल्यू, और बाकी सब में लगभग जीरो या फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो भी उसको हम जीरो मानेंगे, ठीक है। और ये हमारा D3 और जो D8 है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। तो और एक बार इसको भी देख लिया जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसमें देखिए ज़रा D3 D4 D5 ठीक है और D6 D3 D4 D5 D6 ये चारों के चारों पॉजिटिव में आ रहे हैं, है ना। और फिर लास्ट में इधर D8 वाला देख लीजिए, तो D3 D4 D5 D6 और D8 ये इतने सारे की जो वैल्यू CFAE वैल्यू आ रहे हैं वो पॉजिटिव में आ रहे हैं, किस केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में। अब ये टेबल हमने देख लिया ध्यान से, अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं वो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो वीक फील्ड के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे उसमें हमने देखा, मैंने क्या वीक फील्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि D3 और D8 वाले में केवल उसकी वैल्यू CFAE की वैल्यू 2 आ रही थी, यानी कि वो पॉजिटिव थी, वो ज़्यादा थी। तो हमारा D3 और जो D8 वाला हो गया उनकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब कि रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और D3 D8 के अलावा जो बचे D0 D1 D2 D4 D5 D6 D7 और D9 D10 ये सब आपके क्या हो गए, लबाइल कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल आयन जिनका कॉन्फिग्रेशन 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन फीलिंग की बात हो रही है ये, उनके CFAE वैल्यू नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो इसलिए इनको कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो ये हमारे क्या हो गए, लबाइल हो गए। वही दूसरी ओर D3 और D8 जो है उनकी वैल्यू CFAE की पॉजिटिव आ रही है, तो ये हमारे क्या हो गए, इनर्ट हो गए, माने कि वो रिएक्शन स्लो करेंगे, स्लोली करेंगे, ठीक है। ये वीक फील्ड की बात हो गई। दूसरा हमने आपको टेबल में दिखाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में जिनका CFAE वैल्यू जिन मेटल कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव में था वो कुछ ज़्यादा ही थे। वीक वाला तो याद करने में आसान रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा आपको कि हमारा वीक फील्ड में कौन से इनर्ट होते हैं और कौन से लबाइल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन से इनर्ट होते हैं कौन से लबाइल होते हैं, ठीक है। तो वीक वाला तो आसान होता है, याद हो जाता है कि D3 D8 इनर्ट हैं और बाकी जो बचे वो लबाइल हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में थोड़ा सा हम लोग को याद ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है। तो इस केस में देख लीजिए, हमने आपको पहले ही टेबल पढ़ा के दिखा दिया था कि इसमें D0, 1, 2, 7, 9 और 10 जो है उनकी वैल्यू नेगेटिव या जीरो आ रही थी, इसका मतलब कि इनको कम एनर्जी चाहिए और ये हमारे लबाइल में आ जाएंगे। तो दिस ऊपर वाले जो दिख रहे हैं वो लबाइल हैं, बाकी जो नीचे बचे D3, D4, D5, D6 और D8, तो D3, D8 तो इसमें प्रेजेंट ही है, एक्स्ट्रा कौन से आ रहे हैं 4, 5, 6, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये आपके इनर्ट हो गए। अब ये जो इनर्ट है इनमें भी देखिए स्ट्रेंथ है,
कि कौन ज़्यादा इनर्ट है, कौन थोड़ा कम इनर्ट है, कौन उससे कम इनर्ट है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ हम यहाँ दिखा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं, D5, D4, D8, D3 और D6। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मतलब कि D5 थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, D4 उससे कम, D8 और D3 का लगभग बराबर बराबर, और सबसे कम रिएक्टिव हमारा कौन सा है, D6 है, ठीक है। ये इसका रिएक्टिविटी के बेसिस पे हो गया। ओके, आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ हमसे आप क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, बट आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें कुछ कठिन नहीं है। दूसरा क्या है, अभी हमने क्या बात किया आपको SN1 के बारे में, ये जो हमने वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड का टेबल में वैल्यू देखा, वो हम लोगों ने ये सब सारा जो ड्रामा चला, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो किसके लिए था, SN1 रिएक्शन के लिए था, जो कि स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा था। अब ये दूसरा है जो CFAE वैल्यू हम लोग देखेंगे, वो SN2 रिएक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है। जैसे SN1 रिएक्शन होता है उसी तरीके से SN2, इसको हम बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा दो इंटरमीडिएट से रिएक्शन होता है, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल और कम एनर्जी वाला इंटरमीडिएट होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो हम इसमें टेबल 3 में देखेंगे वैल्यू D0 से लेकर D10 तक का, इसमें भी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में बटे हुए हैं। इसमें हमारा जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है, रिएक्टेंट है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ठीक है, तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में देखते हैं CFAE वैल्यू। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि D3 का वैल्यू देखिए 1.8 आ रहा है, पॉजिटिव है, बाकी ऊपर के सब नेगेटिव और जीरो दिख रहे हैं, और D8 बिल्कुल अच्छा है, याद करने में हमको आसानी पड़ेगा कि हमारा जो SN2 रिएक्शन में भी जो हमारा वीक फील्ड था उसमें D3 और D8 वाले इनर्ट निकल गए और बाकी जो बचे वो क्या निकल गए, रिएक्टिव निकल गए, लेबाइल निकल गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी देख लेते हैं, इसमें हम D3 का पहले देख लें, हाँ ठीक है, D3 आपका पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन D4 देखिए इसमें नेगेटिव है, बचा D5 एंड D6 और D8, तो इसमें भी वैल्यू बिल्कुल वही है, केवल एक आपका D4 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो टेबल हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, आगे आते हैं कंक्लूजन पर। तो वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल वही कंक्लूजन है जो हमारा SN1 रिएक्शन के लिए था, D3 और D8 जो आपके हैं वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, और बाकी D0 से लेके D1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 जो हैं आपके वो लबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, इसमें केवल D4 का अंतर है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, D0, 1, 2, 4, 7, 9, 10 जो है आपके वो लबाइल हैं, क्योंकि इनके वैल्यू जो है वो नेगेटिव हैं या फिर जीरो हैं, और जिनके वैल्यू पॉजिटिव हैं वो D3, 5, 6 और 8 हैं। तो केवल 4 इसमें मिसिंग है, जो हमारा SN1 में था वो इसमें नहीं है। इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल वही है, D5, D8 बराबर D3, और सबसे जो इनर्ट ज़्यादा है वो कौन सा वाला है, D6 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इन दोनों टेबल से हमें बहुत रिलेशन, कुछ कॉमन रिलेशंस पता चला SN1 और SN2 रिएक्शंस में। तो उन दोनों टेबल का जो कंक्लूजन रहा वो क्या रहा, वो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D3 है, ठीक है, और स्पिन पेयर्ड मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात हो गई, ठीक है, D5 और D6 और कुछ हद तक D4, ये आपके लगभग इनर्ट में आ जाएंगे जब हम SN1 और SN2 की बात करेंगे, ठीक है। ये टोटल आपको उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात हो रही है कि वैसे तो हमारा वीक फील्ड में D3 और D8 इनर्ट होते ही हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है तो आपका D5, D6 और कुछ हद तक D4 भी आ जा रहा है। तो ये आपका SN1 SN2 मैकेनिज्म दोनों में लगभग आपके ये क्या निकलेंगे, इनर्ट निकलेंगे, इनके हाई एनर्जी चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से D8 भी उसी में था आपका, ये स्लो रिएक्शन देगा, ठीक है, चाहे लिगेंड फील्ड हमारा स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों ही केस में हमारा D3 और जो D8 है वो आपके इनर्ट ही थे, ठीक है। और सेकेंड कंक्लूजन क्या है हमारा, कि जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जो बचे हुए हैं D0, 1, 2 स्पिन फ्री मतलब कि जो पेयर्ड नहीं है, D4, D5, D6, D7, D9 और D10 जो है वो लबाइल हैं, चाहे हम किसी मैकेनिज्म से भी करें, ठीक है। तो
क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली है हमारी क्रिस्टल फील्ड थियोरी में? पहली चीज़ हमको इसमें CFAE के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। दो मैकेनिज्म की बातें हो रही हैं, एक SN1 मैकेनिज्म और एक SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म का रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑक्टेहेड्रल है। इंटरमीडिएट क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। और उस दोनों के डिफरेंस क्या है? वो CFAE है, ठीक है। किस किस का वैल्यू देखा CFE का हम लोगों ने? वीक फील्ड में देखा और स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखा। अब उसमें से जिनकी वैल्यू नेगेटिव थी या जीरो थी वो आपके लबाइल हो गए, ठीक है, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में थी वो आपके इनर्ट हो गए या फिर वो स्लो रिएक्ट कर रहे थे। तो ये टोटल हमने आपको बता दिया जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा SN1 और SN2 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम अभी तक जो बातें हो रही थी वो ट्रांजिशन मेटल के बारे में हो रही थी। डी ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसी को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स मतलब कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, डी के अलावा जो भी ब्लॉक आपके हैं वो आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इनकी भी लेबिलिटी के बारे में यहाँ थोड़ा डिस्कशन हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि VBT थ्योरी के हिसाब से जितने भी नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो सारे के सारे लबाइल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के सपोर्ट में हमारा CFSC क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भी इनका सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ये बोला कि जितने भी नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनके CFAE जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है या फिर ज़ीरो आती है, इसका मतलब कि वो हमारा लबाइल है, क्लियर है। मतलब कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हमारा, चाहे हम VBT थ्योरी की बात करें चाहे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें, दोनों ही केस में लबाइल होता है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो मेटल और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है। सेंटर में हमारा मेटल है और वो लिगेंड से सराउंडेड होता है। चार लिगेंड से है तो उसको हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का कहते हैं। छः लिगेंड से है तो हम उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। पाँच लिगेंड से है तो वो आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, तो जो मेटल सेंटर में है उसकी चार्ज के बारे में बात हो रही है कि जो चार्ज रहेगा जितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज, जनरली जो मेटल हमारे होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिवली होते हैं। हम जनरली की बात कर रहे हैं, जनरल केस में ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेटल डोनर नहीं बनते और लिगेंड एक्सेप्टर नहीं बनते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड होते हैं और ट्रांजिशंस होते हैं जो मेटल से लिगेंड में होते हैं और कुछ होते हैं जो लिगेंड से मेटल में होते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो चार्ज है, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वो लेबिलिटी हमारा घटेगा, ठीक है। लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे AL है, AlF6-3-, SiF6-2-, PfXS-, इन सब में आप सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज निकालिए ज़रा। इसमें AL क्या है? 3+ है, पॉजिटिवली 3 है। इसमें सिलिकन क्या है? 4+ है। इसमें फॉस्फोरस क्या है? 5+ है। तो चार्ज बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम का 4+, सिलिकन का 5+, फॉस्फोरस का एल्यूमिनियम का 3+, SI का 4+ और P का 5+। तो चार्ज क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इनकी रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है। हमारा एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन सिलिकन, देन फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। सेकंड पॉइंट क्या है? साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का साइज जैसे जैसे घटेगा लायबिलिटी जो है वो आपकी रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है वो आपकी क्या होगी, वो भी घटेगी, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझ सकते हैं आप लोग कि दोनों ही चीज़ लगभग सेम है। अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी सेंट्रल मेटल आयन का बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसका साइज और श्रिंक हो रहा है ना। वो एकदम पॉजिटिव ज़्यादा हो गया माने वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया है, ठीक है, वो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए असमर्थ हो जा रहा है। दूसरी चीज़ भी बिल्कुल वही है, जैसे जैसे साइज हमारी घटती जा रही है, छोटी होती जा रही है, वो लिगेंड को जगह ही नहीं दे पा रहा है कि आओ हमारे साथ आप बॉन्डिंग करो,
ठीक है, तो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या कह रहा है कि हमारी जो लेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो घटती रहती है जैसे जैसे कि साइज घटती है. जैसा कि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम. इसमें सबसे कम ये आपका बिल्कुल ऐसे जा रहा है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में हम जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्शियम का सॉरी ये आपका एस ब्लॉक का है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम. आप ग्रुप के नीचे जा रहे हैं, हाँ सेकंड है ये, और ग्रुप के आप इसमें हम नीचे जा रहे हैं. तो मैग्नीशियम से साइज बड़ा है कैल्शियम का, कैल्शियम से साइज बड़ा है आपका स्ट्रॉन्शियम का. ठीक है, तो क्योंकि साइज हमारा जो बढ़ रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. जिसकी कम साइज, जिसका साइज कम है उसका लेबिलिटी कम है, जिसका आपका साइज ज्यादा है उसकी लेबिलिटी क्या है, ज्यादा है. ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका चार्ज से आयन का रेशियो, चार्ज टू आयनिक साइज रेशियो. ठीक है, वो जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतनी ज्यादा लेबिलिटी आपकी घटेगी. मतलब चार्ज बटे जो आपका आयनिक रेडियस है कॉम्प्लेक्स का, मेटल का, उसका रेशियो अगर हम देखेंगे वो जितना कम आएगा तो वो लेबाइल उतना अच्छा है, जितना ज्यादा आएगा तो उनकी लेबिलिटी क्या होगी, घटेगी. तो ग्रेटर इज द सेंट्रल मेटल आयन चार्ज टू साइज रेशियो, द लेसर इज द लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में. ठीक है, क्योंकि सोडियम ठीक है Na इस पे देखिए चार्ज जरा देख लीजिए, Na पे प्लस चार्ज है, एक प्लस है, Mg पे टू प्लस है और एल्युमिनियम पे थ्री प्लस है. ठीक है, और अगर हम साइज देखें तो साइज आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम. साइज तो इसकी आपका केवल 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे एल्युमिनियम तक आते थे आपके p ऑर्बिटल्स पे हम चले जा रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में Na का जो साइज होगा, सॉरी चार्ज है प्लस वन और बटे मतलब डिवाइड करेंगे उसके हम साइज से, तो वो लगभग कम आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज भी कम है इसका. मैग्नीशियम का चार्ज बढ़ जा रहा है तो इसका जो रेशियो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा और एल्युमिनियम का और ज़्यादा आएगा. तो इसी तरीके से इनकी रिएक्टिविटी भी घटती जा रही है. चौथा पॉइंट हमारा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है. अभी हमने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया. थोड़ा सा इसमें ये है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उस केस में थोड़ा लीगेंड, जो नया लीगेंड आता है रिएक्शन करने के लिए उसको स्पेस नहीं दे पाता है या पोजीशन देने में थोड़ी मुश्किल होती है. ठीक है, और जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं या टेट्राहेड्रल होते हैं वहाँ लीगेंड क्योंकि कम है, भीड़ कम है, हिंड्रेंस कम है, तो थोड़ा जगह ज़्यादा मिल जाता है लिगेंड को अटैक करने के लिए. तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है रिएक्शन कॉम्प्लेक्स की वो थोड़ा ज़्यादा लवाइल हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर दिया आपका टोटल लेबिलिटी और इनर्टनेस यहाँ पर. अब हम जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे अभी तक, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, हम उस पे आते हैं. ठीक है, वो भी किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में मतलब मेटल कंटेनिंग 6 लिगेंड्स. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहले अच्छे से मतलब समझ जाइए कि जो हमारा पहले से लीगेंड है उसमें से किसी एक लीगेंड को हम निकाल दे रहे हैं और उसके जगह कोई नया लीगेंड ला के रख दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है जगह उसका, दूसरा लीगेंड सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, बदल दे रहा है. ठीक है, तो ये नॉर्मल यही जो मैंने आपको अभी बताया उसी चीज़ को यहाँ डेफिनेशन वाइज में लिखा हुआ है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लीगेंड, न्यूक्लियोफिलिक लीगेंड अगर पोजीशन बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे. कोई अगर इलेक्ट्रोफिलिक लीगेंड अगर उसको मेटल आयन के को बदल रहा है तो आपका वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं. तो दो मैकेनिज्म बताया गया है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, SN1 और SN2. वन स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर और टू स्टैंड फॉर बाईमोलिकुलर. ठीक है, तो पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1. इसको हम डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं,
क्योंकि SN1 मैकेनिज्म जो है इसका इसका कुछ ऐसा है, एक तो ये दो स्टेप में होता है, ठीक है, जिसमें कि पहला स्टेप जो होता है, जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक लिगेंड जो निकलने वाला है वो निकल जाता है। पहले स्टेप में जिस लिगेंड को बाहर निकलना है वो बाहर निकल जाता है, डिसोशिएट कर जाता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में जो नया लिगेंड को उस जगह पे आना है वो आके अटैक करके मेटल कॉम्प्लेक्स आपका जो प्रोडक्ट है वो बना देता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेप पे डिसोसिएशन हो रहा है इसीलिए हम इसको कहते हैं डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे MX6 थे, ठीक है, एक लिगेंड यहाँ बाहर निकल गया और ये बचा हुआ आपका कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट बनेगा ये। अभी हम इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से बनते हैं, कौन सा स्टेबल होता है, ठीक है, तो अभी यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी आगे है। और दूसरे स्टेप में आपका जो नया लिगेंड वाई है वो तुरंत इस पर फास्ट रिएक्शन होता है, वो अटैक करके आपका कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। वैसे अभी आप लोग को पता होगा कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही स्टेप हमको बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इस केस में जो पहला हो रहा है डिसोसिएशन जो स्टेप में हो रहा है वही स्टेप हमारा स्लो है, तो हम इसका रेट कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू के इंटू MX6, ठीक है, मतलब कि जो रेट है रिएक्शन का वो हमारा केवल और केवल रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम यूनि मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीसीज इट इज़ यूनि मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और क्योंकि इस मैकेनिज्म में हमारा रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कर जाता है इसी वजह से इसको हम डिसोसिएटिव एसएन मैकेनिज्म भी कहते हैं, ओके। सेकंड जो है आपका वो क्या है, SN2 है, और SN2 मतलब सेकंड स्टैंड, टू जो है वो आपका बाई मॉलिकुलर के लिए स्टैंड कर रहा है। तो सेकंड मैकेनिज्म जो बताया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो आपका SN2 मैकेनिज्म है, और इसको हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, याद ध्यान से सुनिए, एसोसिएटिव। SN1 वाला डिसोसिएटिव था और SN2 वाला हमारा क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है, क्यों है, इसके इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो लिगेंड जिनको जिस लिगेंड को बाहर निकलना है वो टूटता नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पूरा का पूरा पहले से रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें नया वाला लिगेंड सीधे सीधे ऐड कर जाता है, ऐड करके वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, और फिर सेकंड स्टेप में जिसको निकलना है, जिस मेटल लिगेंड को निकलना है वो वाला लिगेंड आपका बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन स्कीम में देख सकते हैं, MX6 प्लस Y है, ठीक है, तो हमारा जो Y है इसमें सीधे आके उससे जुड़ जा रहा है, क्योंकि वो नया लिगेंड आके उससे जुड़ जा रहा है, एसोसिएट कर जा रहा है, इसको हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो क्या होगा, R इज इक्वल टू के MX6 इंटू Y, ठीक है। तो हमारा इस केस में देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों ही स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है, नया लिगेंड वाई उस पे और हमारे रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो एसोसिएशन होता है इसीलिए हम SN2 मैकेनिज्म को एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, दोनों ही दो स्टेप के रिएक्शन है, पहला वाला डिसोसिएट मैकेनिज्म के थ्रू होता है, पहले टूटा फिर नया आके जुड़ा, ठीक है, और दूसरा वाला स्टेप SN2 मैकेनिज्म उसमें क्या होता है, पहले आके जुड़ गया, इंटरमीडिएट भी ना बना, फिर इंटरमीडिएट से जो आपका पुराना लिगेंड जिसको निकलना है वो आपका बाहर निकल गया, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट्स के ऊपर, मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट बनते हैं, दोनों ही केस में इंटरमीडिएट बनते हैं, SN1 रिएक्शंस की बात करें हम चाहे SN2 रिएक्शन की बात करें, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट
इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में भी दो इंटरमीडिएट बनते हैं, एक बनता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, दूसरा बनता है हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, दोनों का नाम मैंने लिया, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब ये देखिए जो थोड़ा सा डायग्राम है उस पर ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसे ये सेंटर में होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ सेंटर में आपका मेटल होगा और ये सेंटर में जो मेटल होगा वो एक इधर लिगेंड है, एक यहाँ लिगेंड है, सॉरी। तो मतलब इस कॉपी के अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चार कोनों पे लिगेंड है, एक लिगेंड आपका ऊपर है, एक लिगेंड आपका नीचे है, तो कुल 6 हो गए ना, ये 4 हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ये 6। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा इस पे ध्यान दीजिए, सारे के सारे देखिए ए ए ए लिखा हुआ है, मतलब ये जो प्लेन में चारों हैं वो ए ए ए है, एक ऊपर है लिगेंड वो भी ए है, नीचे वाला लिगेंड जो है उसको हम नाम दे रहे हैं एक्स, क्योंकि उसको हम निकालना चाह रहे हैं इसलिए उसको एक्स अलग से नाम दे दिया है लिगेंड का। ठीक है, तो क्योंकि SN1 मैकेनिज्म की बात हो रही है तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले डिसोसिएशन होता है, तो जो हमारा एक्स है नीचे वाला वो पहले क्या हो गया, टूट गया, निकल गया। तो हमारा जो ये इंटरमीडिएट बना ये हमारा स्क्वायर प्लेनर, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है मुझसे, यहाँ हर जगह स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। स्क्वायर प्लेनर तो हम लोग केवल इसको बोलते हैं, मतलब केवल चार लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कि स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन चार के साथ अगर एक ऊपर भी लिगेंड है, मतलब अगर 5 लिगेंड है हमारा, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्यों? क्योंकि अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये ऊपर की ओर एक पिरामिड जैसा बन जाता है। ठीक है, आई विल करेक्ट इट। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बन गया, और अगले स्टेप में क्या होता है कि तुरंत आपका जो नया लिगेंड वाई है वो पहले वाले पोजिशन पर अटैक करके यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MA5Y बना देता है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि इसमें दो इंटरमीडिएट बनता है, तो एक ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट था, और जो दूसरा इंटरमीडिएट बनता है वो आपका है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, इसको TBP के फॉर्म में हम कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अब क्योंकि नाम देख लीजिए, वो स्क्वायर पिरामिडल था, मतलब कि स्क्वायर पे एक पिरामिड बन रहा था, ये हमारा क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब कि एक ट्रायंगल है और उसके ऊपर भी एक लीगेंड है, उसके नीचे भी एक लीगेंड है, मतलब एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, इसीलिए इसको हम बाई पिरामिडल कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जिस बॉन्ड को निकलना है, जैसे कि ये हमारा एक्स बॉन्ड यहाँ पे है, X3 के फॉर्म में दिख रहा है, वो निकल गया। ठीक है, तो कुछ बॉन्ड की मेटल लिगेंड बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग ऐसी होती है कि जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है कि एक ट्रायंगल बन गया ऊपर, ठीक है, एक लिगेंड ऊपर इसके अटैच हो गया और एक लिगेंड आपका इस तरीके से नीचे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर एक लिगेंड, मतलब 1 2 3, एक ऊपर ये 4 और नीचे ये 5, तो कुल मिला के 5 लिगेंड इसमें भी हुए, लेकिन जो ज्योमेट्री है इसमें क्या है, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। बाई पिरामिडल क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ बॉन्ड है, तो दोनों ही ओर पिरामिड बन सकता है। ठीक है, तो दूसरा इंटरमीडिएट TBP बनता है, जिसमें से इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है, शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की, और फाइनली वाई हमारा अटैक करके फिर से वापस से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो हमने ये नोटिस किया कि जो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको बनाने के लिए कितनी बॉन्ड, 2-3 बॉन्ड की कम से कम शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को करने के लिए हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लग रहा है TBP इंटरमीडिएट बनाने के लिए, तो वो हमारा फेवर नहीं करता। जनरली हमारा SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म
बता रही हूँ मैं, उसमें आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में कोई भी बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसको बनने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमारा स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ही बनता है। ठीक है, कभी कभी TBP इंटरमीडिएट बन जाता है, कब? जब हमारे जो पहले से लीगेंड प्रेजेंट हैं वो कुछ पाई एक्सेप्टर वाले हों, वो पाई बॉन्ड कुछ बना रहे हों उसमें, जिससे कि उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, उसी केस में TBP बनता है, अदरवाइज हमारा स्क्वायर पिरामिडल ही इंटरमीडिएट बनता है। ये हमने SN1 आपको पूरा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम दिखा दूं, ये देखिए, ये आपको दोनों ही माध्यम दिखा रहा है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस रूट से जा रहा है तो ट्रायंगल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये हमारा वापस से प्रोडक्ट बन गया, और नीचे वाला जो पाथवे है वो आपका स्क्वायर पिरामिड, देखिए इसी को मैं पिरामिड कह रही हूँ, ऊपर की ओर बन रहा है और नीचे आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ लिगेंड है तो ये आपका बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें इस नीचे वाले लाइन में आपकी कम एनर्जी लग रही है, तो जनरली हमारा स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, आई थिंक इट इज मोर फॉर टुडे, कल मैं आपको SN2 बताती हूँ। अभी टाइम है, अच्छा बता ही देती हूँ, देख लीजिए। जैसा कि SN1 मैकेनिज्म में हमारा हमने देखा कि दो इंटरमीडिएट बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर और TBP, जिसमें कि स्क्वायर प्लेनर ज़्यादा स्टेबल होता है, उसी तरीके से SN2 मैकेनिज्म में भी हमारे दो इंटरमीडिएट बनते हैं। एक बनता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था। ठीक है, अब देखिए हमारा जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, उसमें क्या होता है कि जब इंटरमीडिएट बनता है वो 5 लिगेंड से बनता है। ठीक है, पहले 6 लिगेंड होते हैं, क्योंकि एक टूट गया निकल गया तो बचे कितने, 5। ठीक है, और अगर हम SN2 की बात करते हैं तो इसमें तो कुछ टूटना नहीं होता है, उल्टा आके हमारा लिगेंड इसमें क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो पहले से हमारे 6 लिगेंड है, और जो नया लिगेंड आके जुड़ जाएगा तो कितने हो गए, 7 लिगेंड। तो अब जो ज्योमेट्री बनेगी वो 7 लिगेंड को लेके बनेगी, अब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 7 लिगेंड को लेके बनेगा। तो वो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या है, इसमें पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। पेंटागोनल मतलब जैसे मैंने स्क्वायर पिरामिडल के बारे में बात किया तो इसका बेस स्क्वायर था। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल के बारे में बात किया तो उसका बेस ट्रायंगल था, यहाँ पेंटागोनल की बारे में बात कर रहे हैं तो 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, बीच में मेटल है और पांचों तरफ लीगेंड है, एक लीगेंड ऊपर है छठा, एक लीगेंड नीचे है सातवां। क्लियर है आपको? तो दोनों तरफ पिरामिड बन रहा है और जो बेस है वो पेंटागोनल है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो हम पहली बारे में जिसके पहली इंटरमीडिएट जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ 4 लिगेंड बॉन्ड टू एडजस्ट द न्यूक्लियोफाइल। कम से कम 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, तब जाके आपका ये PBP इंटरमीडिएट बनता है, न्यूक्लियोफाइल वाई को एडजस्ट करता है, जगह देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉन्ड एंगल है बाकी जो लिगेंड्स है, जैसे कि MA और MA ये सब लिगेंड्स रेस्ट लिगेंड्स है, और जो X वाले हैं वो आपको क्या है बाहर आगे चल के निकल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है PBP इंटरमीडिएट बनने की, इसमें हमारा AMA जो बॉन्ड एंगल होता है वो घट जाता है। सही बात है, 4 है तो आपका 90-90 डिग्री पे है, वो और एक एक बॉन्ड से बढ़ा देंगे तो उसका तो बॉन्ड एंगल घट ही जाएगा। तो क्योंकि बॉन्ड एंगल घट रहा है तो लीगेंड और पास आ रहे हैं, क्योंकि लीगेंड पास आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स की भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा तो PBP बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। PBP इंटरमीडिएट की जो एनर्जी होगी क्या होगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो क्योंकि इसमें एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो इस केस में भी हम PBP इंटरमीडिएट को जगह नहीं देते हैं, जो जनरली बनता है हमारा इंटरमीडिएट वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वेज इंटरमीडिएट। अब वो क्या चीज़ है ज़रा देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है, अभी जो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बात की तो ऊपर लीगेंड है नीचे लीगेंड है, अगर देखोगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक लीगेंड यहाँ, एक लीगेंड यहाँ, एक लीगेंड यहाँ,
ये एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, इधर ट्रायंगल फेस बनेगा, आगे की तरफ ट्रायंगल फेस बनेगा, मतलब हर तरफ एक ट्रायंगल फेस बनेगा। तो इस केस में सेकंड वाला जो आपका टाइप है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, जो लिगेंड अटैक करता है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर फेस पे अटैक करता है कि आपका जो जो लिगेंड निकलने वाला है वो भी उसी में दूसरे तरफ शिफ्ट करके एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बोलने से नहीं समझ में आएगा, ये ज़रा देख लीजिए। ओ सॉरी, लग रहा है इसमें है नहीं, चलिए मैं इसको कल आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मैं इसका डायग्राम आपको दे दूंगी और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करूंगी। ओके, थैंक यू।